Good morning, all of you. How are you? I'm fine. I hope आप भी fine होंगे. हम लोग chapter first शुरू किया था. आज हम उसकी तीसरी गोल कुंडा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे. हमने पढ़ा था इससे पहले थोड़ा सा रिविजन दोस्तों के लिए दक्षिण स्कूल के बारे में हमने पढ़ा था. दक्षिण स्कूल के यानी दक्षिण स्टाइल किस तरह के अपने स्टेट एंड एम्पायर खड़े हुए थे. टू एम्पायर थे, एक विजयनगर एंड बहमन सल्तनत. विजयनगर के जो फाउंडेशन थे कौन से फाउंडेड? अहलिया और गुप्ता और बहमनी सल्तनत के थे अलाउद्दीन बहमन शाह. और ये कब हुआ था? 1347 में इसको हुआ था. ये कब बना? 1347. ठीक है बच्चों. अब यहाँ का जो शासक था यानी राजा था वो कैसा था? शौकी हॉबीज में अपने ऊपर रहता था. पूरी तरह से उसको अपने राज्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, बिल्कुल भी परवाह नहीं थी. साम्राज्य में यानी जो साम्राज्य था इसका बहुत बड़ा था, उसमें छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे. उन राज्यों में आपस में फाइट हुई और जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थे उनको गद्दी मिली और जो वीक स्टेट्स थे यानी बिल्कुल भी वो खत्म हो गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया. अब हम लोग जैसे इनके जो राजा आपस में लड़े तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 15 सेंचुरी पक्का हुआ था. 50 सेंचुरी को 5 पार्ट में डिवाइड हुआ था. तब हुआ था 50 सेंचुरी में 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था. पहला अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, विरार और विदार. ठीक है बच्चों, इस तरह से ये 5 पार्टों में डिवाइड हुए. लेकिन यहाँ के राजा और भी ज्यादा स्ट्रांग थे. अहमदनगर और बीजापुर किसके राजा ज्यादा स्ट्रांग थे? इन कहाँ के स्ट्रांग थे? अहमदनगर एंड बीजापुर. तो अहमदनगर ने विदर पर यानी ये अहमदनगर और बीजापुर का विदर पर. ठीक है, तो अहमदनगर ने जो आक्रमण की जो फाइट की विरार से की थी और बीजापुर ने विदर से की. इस तरह से इनका अस्तित्व खत्म हो गया यानी समाप्त हो गया, फिनिश हो गए. कौन से राज? ये दोनों राज फिनिश हो गए. ठीक है, और इनका अस्तित्व इन दोनों के अंदर आ गया. फिर हमारे एंड में जो बस्ती है मजबूत स्टेट यानी बहुत स्ट्रांग स्टेट है अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा. हमारे इस चैप्टर के अंदर ये चीजें ही पढ़ी समझाई जा रही है. इनकी जो आर्ट है, इनकी जो लिटरेचर है, आर्ट फाइन आर्ट है, इन्हीं के बारे में हमें बताया गया है. अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया. इससे पहले क्लास में हमने अहमदनगर व बीजापुर के बारे में पढ़ा. हमने जो स्टडी की थी किसकी की थी? अहमदनगर एंड बीजापुर. आज हम स्टडी करेंगे गोलकुंडा. ठीक है बच्चों, गोलकुंडा यानी गोलकुंडा के जो किंग थे वो कौन थे? कुतुब शाही. कौन थे? कुतुब शाही, इसके राजा थे. अगर और इसके साथ और इसमें यहाँ जो पेंटिंग्स को महत्व किस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई थी तो इसमें वोमेन्स यानी वोमेन्स को इन्होंने सब्जेक्ट माना और उसी की एडिटियल यानी नजदीकी की सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी यानी पेंटिंग्स सारी बनाई जाती थी किसके? वोमेन्स यानी लेडीज. इसके जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो पर्सिया था यानी ईरानी. पर्सिया यानी ईरानी क्योंकि यहाँ के जो राजा थे कौन थे? मोमडन्स, जो ईरान से पहले से ईरान से आए हुए थे. और ईरान की वजह से जितनी भी पेंटिंग का जो इफेक्ट था किसका था? पर्सिया. ठीक है, ईरानी होने की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ था किसमें हुआ था? पर्सिया में हुआ था. अब इसकी जो फेमस पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है तो बहुत सारी थी अदर पेंटिंग थी लेकिन सबसे ज्यादा पेंटिंग कौन सी थी? लेडी विद द मैना बर्ड यानी स्त्री और मैना. लेडी विद द मैना बर्ड ये इसकी फेमस पेंटिंग थी जो अपने बुक के अंदर दी गई है और इसका वर्णन हमें बताया गया है. इसके अलावा भी जो हमारी पेंटिंग की सीन बने थे वो सीन किस चीज के ज्यादा बने थे? कोर्ट यानी दरबार. आपके राजा के दरबार के चित्र ज्यादा बन गए थे.
इसके पास अदर पेंटिंग, इसके अलावा जो जो पेंटिंग हमने बनी ना लेडी विद द मैना वर्ड, इसके अलावा जो अदर पेंटिंग थी वो गवर्नर की थी और जो दरबारी अन्य दरबारी थे उनके सीन थे एंड लाल रागनीस, यानी जो अपने म्यूजिक के जो लाल रागनीस हैं जो तो क्लासिकल सिंगिंग करते हैं या जो जानते हैं वो आराम से जाएंगे राग और रागनीस, यानी इनकी जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो पेंट की गई थी किसके ऊपर थी, राग रागनीस के ऊपर थी। गवर्नर से वहाँ पे पीएम थे क्योंकि अपने दरबार में सब लोग होते हैं किंग थे और जो अन्य दरबारी थे उनकी वहाँ पेंटिंग्स बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, अब हमारी मेन स्क्रिप्ट, क्योंकि हर जगह की मेन स्क्रिप्ट मुख्य ग्रंथ तो होता ही है, तो इससे और टुंडा के स्टेट में इस कुतुब शाही की राजा के समय जो मेन स्क्रिप्ट थी तुझके ए आस भी, क्या थी तुझके ए आस भी मेन स्क्रिप्ट थी किस समय, गोलकुंडा में, और गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है बेटा, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा स्थित है और गोलकुंडा के जो राजा थे वो कुतुब शाही थे और कुतुब शाही के समय जो मेन ग्रंथ है मेन स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो की थी तुझ दे आस भी। अब इसके जो फीचर्स हैं, इन जो पेंटिंग्स इतनी सारी बनाई गई, यहाँ लिटरेचर भी हुआ पेंटिंग्स भी काफी बनाई गई इस जो कुतुब शाही के समय में, जो टैंक था इनका कुतुब शाही का जो टैंक था उसे मैनुस्क्रिप्ट भी लिखी गई, इसमें पेंटिंग्स भी बनाई गई और पेंटिंग के सब्जेक्ट क्या थे, वोमेन्स थे ज्यादातर, इसी की एडिटिंग रहती थी। इसके बाद जो फीचर्स थे, फीचर्स यानी इसकी जो विशेषताएं कहते हैं वो विशेषताओं में मतलब जैसे उनकी फेस एक चश्म थे यानी एक तरफा, ठीक है एक चश्म चेहरे थे और जो लाइट की जो कलर थे वो बिल्कुल सैनिक वाले कलर कलर थे और जो हरियाली पीछे हरियाली दिखाई जाती है, इस तरह से हम कलर की थोड़ी सी उसकी पेंटिंग्स देखकर ही उस पेंटिंग को देखकर ही हम उसका अच्छी तरह से इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी तो ये हमारा इस तरह के चैप्टर खत्म होता है। इस अब दोबारा से एक बार रिपीट कर लीजिए, अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा, हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हमारे तीनों कंप्लीट होने पर अहमदनगर का आपने पढ़ लिया, निजाम शाही आदिल निजाम शाही राजा था, बीजापुर का राजा कौन था और गोलकुंडा का राजा कौन था, इनके ये पॉइंट याद रखने हैं। फिर इन सबकी मेन स्क्रिप्ट याद रखनी है, इसकी मेन स्क्रिप्ट याद करनी है, बीजापुर की मेन स्क्रिप्ट किया करनी है, इसकी तो खगोल विद्या पर आधारित है, ठीक है कुछ किया और गोलकुंडा की हमारी कुछ किया, ये हमारे पॉइंट लर्न करने वाले लोग हैं जो हमें स्टडी करना है, उस स्टडी के अंदर हमें जो पॉइंट याद करने हैं वो हमको मोस्ट दिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसके राजा का हमको नाम याद रखना पड़ेगा, मेजरली यानी जो सब्जेक्ट ज्यादातर किस चीज के रखे थे, वोमेंस के रखे थे, डेवलपमेंट किस चीज का था, किस शैली का था, तो बर्सिया का था ज्यादातर क्योंकि हमारे इस राज के नाम से ही हमको एहसास होता है, तो फीलिंग्स है वो हमारे जो राजा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे राज्य में सारी चीजें चलती हैं। अब फेमस पेंटिंग कौन सी है जो हमारे बुक के अंदर दी गई है, वो है लेडी विद द मैना वर्ड, यानी स्त्री और मैना। सीन जो दिए गए वर्ड्स के सीन ज्यादा दिए गए हैं और अदर पेंटिंग भी हैं जैसे गवर्नर की या कोर्ट के दरबार में होगी और रागनी की। इसके बाद इसमें जो फेमस हुई थी गोलकुंडा का जो फेमस है वो किसके लिए, डायमंड के लिए, किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है, अपना गोलकुंडा के उस समय डायमंड के लिए ख्याति ज्यादा प्राप्त थी और जो इसकी जो पेंटिंग्स अपनी संग्रहित रखी गई मुझे बनाती है वो है डबलिन के जेस्टर बैगनेस की, जो भी पेंटिंग्स हैं ये वाली वो अपनी म्यूजियम में रखी गई है डबलिन के जेस्टर बैगनेस में। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के साथ ही थोड़ा सा मैं नेक्स्ट डे इस चैप्टर का थोड़ा सार समझा दूंगी, लेकिन बच्चों ये आई होप कि आपको ये पूरी तरह से लर्न हो गया होगा और इसका वर्क भी कर लिया होगा, और नहीं आए तो और जो मैं बोर्ड पर लिखा रही हूँ उसको अगर या आप रफ कॉपी में फिर मैं जो नोट्स लिखोगे रफ में इसको आप लिखिए।